स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 40 जो कि सैंपलिंग से रिलेटेड आपको मैं एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ, इसकी एग्जांपल्स करवा चुकी हूँ एंड डेफिनेशंस करवा चुकी हूँ। अब स्टूडेंट मैंने जो जितने भी चैप्टर्स हैं जो आपके साथ बीएस लेवल के लिए, बीएससी के लिए, एफएससी के लिए, आईकॉम बीकॉम वालों के लिए जितने भी बुक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो आपके साथ डिस्कस होंगे। बिकॉज बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है कहते हैं कि मैम हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपनी जो तैयारी है वो फुल चैप्टर की कर सके, तो मैं आपको भी बेसिक और मेन मेन टॉपिक्स बता देती हूँ। अगर आप ये अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो और साथ में 5 ईयर्स पेपर जो है प्रीवियस वो अगर तैयार कर लेते हो तो इनशाला आप अच्छे नंबर जो है वो ले सकते हो। अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो ओल्ड 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर है ना वो आपने मस्त करने, उससे ये फायदा है कि समटाइम्स आपको बल्कि समटाइम्स क्या बहुत ही बार जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो जाते हैं। लेकिन आपको इस चीज का क्या फायदा होता है कि आपको पैटर्न समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से चैप्टर्स हैं और किन किन चैप्टर्स में चॉइस है। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी का देखोगे ना, मैंने आपके साथ पेपर डिस्कस भी किया हुआ, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि हमने कौन कौन दो चैप्टर्स में जो हमारे पास है चॉइसेस होते हैं। बिकॉज अगर आपको वैसे भी सेपरेट भी देखना हो तो जो इम्पोर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट है ना वहां पे मैंने आपको गाइडलाइंस इनसे रिलेटेड तमाम प्रोवाइड की हुई है। तो मैं सबसे पहले आपको कहूंगी कि सैंपलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं ना पार्ट टू का बीएससी के लिए वो आपने मस्ट देखना है 5 ईयर्स पेपर में, वो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है और साथ में जो क्वेश्चन आपको गिवन हो आपने वो सॉल्व करना है। ठीक है, उसका ये फायदा है कि ये क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट होते हैं। पहली चीज तो हमारे पास आ गई कि आपने ओल्ड 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर मस्ट तैयार करनी है अगर आप चॉइसेस के लिए तैयार करना चाह रहे हो, चॉइसेस के साथ अपनी तैयारी करना चाह रहे हो। अगर आप नहीं भी कर चॉइसेस के साथ करना चाह रहे हो और आप ओल्ड भी तैयारी करो तब भी आप 5 ईयर्स पेपर देखो, आपको इंशाल्लाह इससे बहुत ज्यादा फायदा जो है वो मिलेगा। अच्छा स्टूडेंट एक पहला टॉपिक जो सैंपलिंग से रिलेटेड है ये तो आपको पता होना चाहिए कि सैंपलिंग क्या है और एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग, और एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी आप क्या करें एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग की सैंपलिंग क्या होती है और इसके फवायद क्या क्या, इसके यूजेस क्या क्या हैं वो मस्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा समटाइम्स आपके पास जो क्वेश्चन होता है ना वो इस तरह आ जाते हैं कि डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग इन कंप्लीट इन्यूमरेशन, अबाउट द कंप्लीट इन्यूमरेशन। तो कंप्लीट इन्यूमरेशन क्या होती है कि जो सैंपलिंग है उसको जो कंप्लीट इन्यूमरेशन जिससे हम ईच एंड एवरी यूनिट को डिस्कस करते हैं उसके साथ कंपेयर करते हुए सैंपलिंग के एडवांटेज बताने के, व्हाई वी आर नॉट सेलेक्टिंग द मेथड ऑफ द कंप्लीट इन्यूमरेशन इन व्हिच ईच एंड एवरी यूनिट मस्ट बी काउंट एंड व्हाई वी हैव सेलेक्टिंग द मेथड ऑफ द सैंपलिंग इन व्हिच वी हैव सम यूनिट्स सेलेक्टेड एंड टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस यूनिट्स। तो ये हमारे पास होता है कि हम कंप्लीट इन्यूमरेशन का मेथड इग्नोर करके व्हाई वी आर यूजिंग द सैंपलिंग, ठीक है, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, किस वजह से हम इसको प्रेफर कर रहे होते कंप्लीट इन्यूमरेशन को, इस तरह के क्वेश्चन आपसे सैंपलिंग से रिलेटेड पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब जो मैं इसका बताऊंगी ना कि आपको सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है वो बतानी चाहिए। ठीक है, हमारे पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखिए सैंपलिंग क्या था कि जब आपके पास बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन होती है ना आप उसमें से यूनिट्स जो है वो सिलेक्ट कर लेते हो और फिर करते हो। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर पूछा गया है ना तो जिस तरह आप फाइंड करते हो ना कि फ्रीक्वेंसीज ले रहे हो, फिर हम जिस तरह फ्रीक्वेंसीज ले रहे होते हैं, फिर एफ एक्स बार कर रहे होते हैं, ये जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ना वैल्यू को, ये हमारे पास होता है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इससे रिलेटेड मैंने आपके साथ टॉपिक है वो डिस्कस भी किया हुआ है, अगर आप जाके देखोगे तो आपको इस प्लेलिस्ट में इस थ्योरी से रिलेटेड और ये क्वेश्चन जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, एग्जांपल्स भी करवाएंगे। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है ना वो आपको आनी चाहिए, 3 मेन प्रॉपर्टीज है और वो भी प्रॉपर्टीज विद एंड विदाउट प्लेसमेंट के लिए जो है हम अप्लाई भी कर रहे होते हैं क्वेश्चन में, तमाम क्वेश्चन उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो ये आपने मस्ट याद रखें। फिर आपके पास 4 नंबर जो टॉपिक में आपको कहती हूँ वो आप तैयार कर लो, मेथड ऑफ एलोकेशन। इसके मेथड ऑफ एलोकेशन जो है वो आपको मस्ट आने चाहिए, वो भी आपके पास इम्पोर्टेंट है हमारे पास अगर आप देखो पेपर के लिहाज। देन स्टूडेंट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, सम बहुत बार ना आपको स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में डिफरेंट पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेटिफाइड बिकॉज इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और अगर आप देखोगे प्लेलिस्ट में जाकर इनका डिफरेंस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया होगा, इनमें डिफरेंस चेक करना है। ये जितने भी मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ना इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए।
जिस तरह विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट क्या है और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है, इसका आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आपके पास आ जाता है जी क्लस्टर सैंपलिंग क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या है, इस तरह के जो आपके पास टॉपिक है ना, मल्टी स्टेज या मल्टी फेज सैंपलिंग क्या है, जिसमें डिफरेंस पता चले वो आपने मस्ट करनी है, बिकॉज आपसे डिफरेंस जो है वो पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बता देती हूँ, जो सैंपल प्रोपोर्शन वाली क्वेश्चन है, जो सैंपल प्रोपोर्शन वाले, वैसे तो समटाइम मीन के भी आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन मीन, लेकिन प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आ रहे होते हैं, तो कोशिश तो आप यही करेंगे सारे क्वेश्चन को देखे, बिकॉज अगर जब आप पढ़ोगे ना सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी, उसमें जो मेथड है ना वही डिस्कस हो रहा है, जो तीन मेन स्टेप करने होते हैं, जिसमें हमारे को मीन इक्वल करना होता है, देन सिग्मा स्क्वायर हम ले रहे होते हैं, लास्ट में वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो क्वेश्चन में वही चीजें करनी होती है, उसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आप एक नजर, जो मैंने वीडियोस पढ़ाई बनाई हुई है ना, जिसमें मैंने आपको विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल्स बनाना सिखाएंगे और उनको क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर आप वो देखोगे मीन वाले, तो वो भी बहुत ईजी है, वो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, लेकिन जो सैंपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है या जो शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें मीन भी गिवन होता है, सिग्मा स्क्वायर भी गिवन होता है, और हमने जी फाइंड करना होता है, जिस तरह एक्स बार माइनस हम एस माइनस एक्स बार और एस ले रहे होते हैं, इस तरह हम जो चीजें फाइंड कर रहे होते हैं सिग्मा के लिए और एस के लिए, तो वो वाले जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे मीन्स और प्रोपोर्शन वाले, वो इम्पोर्टेंट है आपके पास। अगर आपने सैंपलिंग का चैप्टर वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें से दो क्वेश्चन आपके पास आते हैं और उनके अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, लेंथी क्वेश्चन होते हैं, तो आप कोशिश करेंगे सैंपलिंग का चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, इसकी थ्योरी कोई मुश्किल नहीं है, ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो मैंने आपके सब प्लेलिस्ट में डिस्कस किया होगा, अगर आप जाके देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, और ये वो मेन टॉपिक्स हैं। 5 years पेपर तो मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ ना, उसमें मैं आपको अगेन अगेन रिपीट करके बता रही हूँ, स्टूडेंट 5 years पेपर जो है हमें मस्त तैयार करना। उसके अलावा आपके पास ये जो टॉपिक है ये आपने देखने हैं, अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, या आप जॉब करते हो साथ में आप स्टडी कर रहे हो और आपके पास इतना टाइम नहीं है, या आपने पहले तैयारी नहीं की और अब आपको लास्ट में याद आ रहा है, उसके लिए भी यही अब सोल्यूशन बचता है कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे तरीके से तैयार कर लो, ताकि आपको कुछ ना कुछ आता हो और आप उससे फायदा उठा सके। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर्स की जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हो। अगेन एंड अगेन कहूंगी स्टूडेंट अच्छे तरीके से तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें, ताकि सब स्टूडेंट्स जो है इससे फायदा उठा सकें। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, बिकॉज इनसे क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे, साथ में एग्जाम्पल्स हो गए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए, ये तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस की हुई हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपके प्रॉब्लम्स को मैं जल्द से जल्द सॉल्व करके दे सकूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।